दो सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाने का, उसमें हम 6 साल और इससे ज्यादा सजा वाले हर केस के अंदर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की विजिट को, क्राइम सिनेरियो पर विजिट को कंपलसरी करने जा रहे हैं, पूरे देश भर के अंदर कंपलसरी करने। अब आप समझ लीजिए, देश के अंदर जो लाखों लाखों एफआईआर होगी, वो सभी में जिसमें भी 7 साल 6 साल से ज्यादा सजा का प्रावधान है, वो सभी में सभी में फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट की विजिट हम कंपलसरी करेंगे। तो इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी फॉरेंसिक साइंस के विद्यार्थियों में के लिए क्रिएट होने वाली है कि व्यास साहब, अभी 10 साल तक जितने भी ग्रेजुएट आप निकालोगे, सभी के सभी को नौकरी ग्रेजुएशन के दिन ही मिलने वाली है। मित्रों, एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसकी पूरे विश्व के अंदर जरूरियात है और पूरे विश्व के अंदर एक्सपर्ट्स की जरूरियात है। और मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि गुजरात से शुरू हुई गुजरात फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, उसमें से गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और बाद में वो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनी, वो अपने आप में समग्र विश्व में फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में एक्सक्लूसिव कोर्सेज तैयार करने वाली और फॉरेंसिक साइंस के सभी डायमेंशन को कोर्स में कन्वर्ट कर पढ़ाने वाली अपने आप में विश्व की एकमात्र यूनिवर्सिटी एमएनएसएफयू है। और आज इसकी शुरुआत यहां पर होने जा रही। इसका फायदा न केवल असम और नॉर्थ ईस्ट को मिलेगा, बांग्लादेश, भूटान, ब्रह्मदेश, नेपाल, इंडोनेशिया, ढेर सारे देश की पूर्वी सीमा से सटे हुए देशों को भी इसका फायदा होगा, क्योंकि आज नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी अनेक देशों के साथ एमओयू कर वहां की पुलिस को भी, वहां की न्यायिक प्रक्रिया को भी और वहां की प्राइवेट इंडस्ट्रीज के ऑफिसर को भी ट्रेनिंग का काम ऑनलाइन और फिजिकल दोनों तरह से कर रही है। मित्रों, ये यूनिवर्सिटी अपने आप में एक परिपूर्ण यूनिवर्सिटी है जिसका यहां पर आज कैंपस खोलने जा रहे हैं। यहां पर साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीएनए फॉरेंसिक, फूड फॉरेंसिक, पर्यावरण फॉरेंसिक और कृषि फॉरेंसिक जैसे कोर्स अन्य कोर्सों के साथ साथ डबल ग्रेजुएशन तक की पूरी व्यवस्था यहां पर हम करने वाले हैं। और इस शैक्षणिक वर्ष से ही हम 5 शैक्षणिक पाठ्यक्रम शुरू करने वाले हैं और आगे जाकर वो 5 को विस्तारित कर 40 अलग अलग कोर्स तक हम पहुंचेंगे। तो अमित शाह जो इस वक्त असम के दौरे पर हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा आपको स्टेज पर उनके साथ नजर आए, उनका संबोधन इस वक्त चल रहा था।